अब हम बालों को उगा नहीं बना सकते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स की साइंटिस्ट ने 3D हेयर प्रिंटिंग सीख ली है। रेंसलेयर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूयॉर्क ने हाल ही में एक रिसर्च पब्लिश की है, जिसके अंदर उन्होंने 3D हेयर को ह्यूमन स्कैल्प के अंदर, यानी कि उनके स्किन टिश्यू के अंदर प्रिंट करना सीख लिया है। ये पूरी बायोमेडिकल इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी खोज है। ह्यूमन हेयर बॉडी के टेम्परेचर, स्वेट्स के प्रोडक्शन के अंदर काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं और यही है उन्हें मॉडरेट करने वाले। ये खोज ना केवल ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है, यानी कि गंजेपन के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है, जिसके अंदर गंजेपन जैसी प्रॉब्लम्स को अब हम चुटकियों में ठीक कर सकते हैं, बट उसके साथ साथ रीजनली और मेडिकल्स जो सिचुएशंस हैं उनके लिए भी काफ़ी बड़ी खोज है। ये बड़ी खोज मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस प्रोसेस से हम इंसानों के अंदर उनके हेयर ग्रोथ करने की जो स्किल्स है और क्षमता है वो फिर से ला सकते हैं। ये काफ़ी कमाल की बात है और हम अब हेयर को खुद बना सकते हैं। बताया जा रहा है कि अगर हम हेयर को, यानी कि हेयर मॉलिक्यूल्स को स्किन्स के अंदर प्रिंट करते हैं, तो उससे हमें स्किन्स में होने वाले, यानी कि ह्यूमन स्किन्स में होने वाले बदलाव और वो किस तरह से नए और अलग अलग फॉर्मूलाज को एक्सेप्ट करता है, ये पता चल सकता है। ये हमारी आने वाली कई रिसर्च के अंदर काफ़ी बड़ी बात और काफ़ी अच्छा हो सकता है, यानी कि हमारे साइंटिस्ट इससे काफ़ी सारी डिटेल्स और डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि किस प्रकार से ह्यूमन स्किल्स काम करती हैं और वो स्किन्स के अंदर क्या फॉर्मूलाज हो सकते हैं जो कि उसके मेडिकल क्योर और उसके साथ साथ कॉस्मेटिक क्योर के अंदर हम काम किस प्रकार से कर सकते हैं, इस पर बात कर सकते हैं। इस रिसर्च के अंदर स्पेशल इंक, यानी कि स्पेशल प्रिंटर इंक्स का यूज़ किया गया है। अब आपको लगेगा वो इंक्स नॉर्मल इंक्स होंगी, बट नहीं, जहाँ की ये प्रॉपर हेयर प्रोटीन्स और स्किन सेल्स से लेकर एक इंक बनाई गई है, जिसको उस प्रिंटर, यानी कि 3D प्रिंटर इंक के अंदर इस्तेमाल किया गया है, जिससे सीधा हम स्किन के ऊपर जो स्कैल्प है उसके ऊपर प्रिंटिंग कर सकते हैं और हम उसमें हम हेयर मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। समय के साथ साथ वो हेयर मॉलिक्यूल्स हमारे स्किन के साथ और सेल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और वो धीरे धीरे एक्सेप्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे हेड के अंदर स्किन्स एक्सेप्ट करते हुए हेयर मॉलिक्यूल्स को परिवर्तन करती हैं और वो धीरे धीरे ग्रोथ कंटिन्यू करने लगती है, जिसकी वजह से हेयर मॉलिक्यूल्स स्किन्स के साथ कोलैब करते हुए प्रोटीन और उसके स्ट्रक्चर्स बनाने लगते हैं और एक वेब के थ्रू वापस हेयर क्वालिटी उन एरियाज के अंदर वापस आती है जहाँ पर हेयर क्वालिटीज ख़त्म हो चुकी थी और जो स्टेम्स रूट सेल्स हैं वो पूरी तरह से मर चुके थे। यानी कि कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि आपके एप्पल डिवाइस के अंदर एंड्रॉयड का एक अनदर प्रोग्राम चलना शुरू हो गया विदाउट पे। उसी प्रकार से अलग मॉलिक्यूल्स जो कि मैनमेड बनाए गए हैं हेयर पार्टिकल्स के, उनको प्रिंट किया गया है स्कैल्प में और उस स्कैल्प के अंदर प्रिंट करने की वजह से आप इतना समझ लीजिए कि हम पूरी तरह से हेयर मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल करेंगे और हेयर पार्टिकल्स को हेड के अंदर स्टेम रूट सेल्स के अंदर उगा सकते हैं। देखने वाली बात कुछ यही है कि क्या हम आगे जाके हेयर मॉलिक्यूल जिस प्रकार से उगा पा रहे हैं उसी तरह क्या साइंस के अंदर डेवलपमेंट होंगी, जिससे वो दिन दूर नहीं होगा जब हम अपाहिज जो लोगों के हाथों और लिम्स जो हैं, यानी कि जो ऑर्गन्स और जो हाथ पैर और कई प्रकार के ऑर्गन्स जो वो खो चुके हैं उन्हें वापस उगा पाएंगे। क्या हम उनकी इस प्रकार से मदद कर पाएंगे और ह्यूमैनिटी को एक अलग स्तर तक पहुँचा पाएंगे। अगली खबर की तरफ बढ़े तो अगली खबर सीधा कानपुर से आ रही है। हुआ कुछ यूँ कि कानपुर में 10वीं क्लास के एक बच्चे को उसके टीचर से प्यार हो गया। बताया जाता है ये लव अफेयर टीचर के थ्रू चलाया गया था और उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई। टीचर के हस्बैंड, ब्रदर, स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर अब दर्ज FIR कर ली गई है और कोर्ट के ऑर्डर के बाद पुलिस के द्वारा नवंबर 16 को जाँच शुरू कर दी गई है। घटना 17 अक्टूबर 2023 की बताई जा रही है, जहां पर मिशनरी स्कूल के अंदर एक टीचर ने बच्चे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की और धीरे धीरे उसके भावनाओं को आहत करने की कोशिश करी और उसका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की और यह आरोप लगाया गया कि वह इस प्रकार के काम बच्चों के साथ कर रही हैं। स्कूल की तरफ से उनको निकाल दिया गया, यानी कि स्कूल अथॉरिटी की तरफ से जब ये बात सामने आई तो उन्हें निकाल दिया गया और उसके ठीक बाद स्कूल के बाहर एक सोशल एक्टिविस्ट अखिलेश भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसका नाम आपने भी सुना होगा, यानी कि ABVP, स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट किया, यानी कि प्रदर्शन किया और टीचर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की।
विक्टिम के फादर ने बोला कि पुलिस के अंदर उन्होंने एक रजिस्टर कंप्लेंट करवाई, यानी कि कई कंप्लेंट रजिस्टर करवाई है, और बताया है कि टीचर देर रात में उनके बच्चे के साथ बात करती थी और उनके दिमाग यानी कि उनके बच्चे के दिमाग के साथ खेलते हुए धर्म यानी कि उनके हिंदू धर्म के बारे में गलत और अनाप शनाप बोलती थी, जो कि उनकी तरफ से बताया गया 11 यानी कि 11 अक्टूबर 2023 को पुलिस में ये दर्ज यानी कि ये याचिका दर्ज कराई गई थी। पिता ने बताया कि स्कूल में उनके हिंदू यानी कि हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बच्चे के ऊपर कोशिश की जाती थी, उनके हाथ में कलावा यानी कि बच्चे के पास जो कलावा है वो भी उतारने की बात की जाती थी, और कहा जाता था जो बच्चे हैं यानी कि हिंदू भिखारी हैं। इस प्रकार की अभद्र भाषा का स्कूल अथॉरिटी की तरफ से यूज किया गया, ऐसा विक्टिम के फादर की तरफ से बताया गया। आरोप लगाए गए कि स्कूल के अंदर टीचर के भाई हस्बैंड एक ही यानी कि सेम स्कूल के अंदर है और वो भी बच्चों को पढ़ाते हैं, और उसके साथ साथ उन वो भी ये सब चीज़ें जानते थे कि एक टीचर यानी कि उनकी जो वाइफ है यानी कि हस्बैंड की वाइफ की तरफ से बच्चों के साथ क्या किया जा रहा है। पिता ने कंप्लेंट 11 अक्टूबर को दर्ज कराई थी और पुलिस के द्वारा 16 नवंबर को दर्ज की हुई अक्टूबर यानी कि दर्ज की गई कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई करनी शुरू की गई। आरोप लगाया जाता है कि जब कोर्ट ने दखलंदाजी की तब जाके पुलिस के द्वारा काम किया गया, उससे पहले पुलिस FIR लिखने के लिए भी मंजूर नहीं थी। बताया जा रहा है कि पुलिस स्टेशन के अंदर एक वीडियो वायरल भी हो रही है जिसके अंदर बताया गया है, पुलिस स्टेशन यानी कि जिसके अंदर दिखाया गया है कि पुलिस के अधिकारी साफ तौर पे बोल रहे हैं कि आप उन लोगों से पंगा ना लीजिए, और ऐसी भाषा का यूज़ पुलिस स्टेशन के अंदर किया गया है। बताया जा रहा है कि बच्चे के पेरेंट यानी कि बच्चे के पिता की तरफ से आरोप लगाए गए कि पूरी तरह से बच्चे को डरा के रखा गया और हमें कंप्लेंट रजिस्टर ना करने पर फोर्स बैक किया गया। कोर्ट की तरफ से जब ऑर्डर प्लेस किया गया और कोर्ट की तरफ से जब थोड़ा प्रेशर पुलिस स्टेशन पे लगाया गया और आधारित अधिकारियों पे लगाया गया, तो उसके बाद अधिकारियों ने नवंबर में जाके FIR दर्ज की और अब जाके कार्रवाई तूल पर है। देखना यह है कि किस प्रकार से जस्टिस कोर्ट के द्वारा मिलती है या नहीं, और FIR ना दर्ज करने पर पुलिस के ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है। इस खबर में इतना ही। आप सभी देख रहे थे न्यूज़ वन टुडे। आप सभी से मिलते हैं अगली खबरों में।